व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हो सब। तो आज के वीडियो में यार मैं आप लोगों को ले जाऊंगा। पिछले के वीडियो में जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग सराफा मार्केट घूम के आए और उसके बाद हम लोग आने के बाद सो गए थे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ पिछले वीडियो में सपोर्ट करने के लिए। और आज का वीडियो जो होने वाला है वो अगले दिन के बारे में होने वाला है। और दिन की शुरुआत ऐसे होती है कि सबसे पहले चला जाता हूँ ऊपर छत में होटल के और हम लोग वहाँ पे सनराइज क्लिक करते हैं। और फोटोग्राफी करने के बाद हम लोग रूम में आते हैं, अपने रूम को टाइडी करते हैं। सो रूम एंड ऑल टाइडी करने के बाद हम लोग का प्लान बनता है कि हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि बाकी लोग तैयार होने में थोड़ा सा लेट कर देते हैं, तो हम लोग को 11 o'clock समथिंग हो जाता है। तो सर डिसाइड करते हैं कि हम लोग लंच करने के लिए जाएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए तो ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो सर डिसाइड करते हैं कि लंच करने के बाद हम लोग डायरेक्ट फिर घूमने के लिए निकलेंगे। तुम लोग वहाँ बैठ कर मेरे को साइन करना। मैं सुबह 6 बजे उठा, उठते ही सबसे पहले तैयार हुआ और तैयार होकर मैं ऊपर जा रहा था और ऊपर जाते जाते कोणार्क दीदी मेरे को गाली दी। क्यों? कि जल्दी उठ गया ना मैं और नहा भी लिया। मैं भी उसी पर जाती रहा। हाँ मैं रखो रूम में जाती। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, बहुत भूख लग रहा है। अभी तक मैं 3 स्मूथ पी चुका हूँ, भूख बहुत लग रहा है और जा ही रहे बस। अब देखते हैं आगे क्या होगा। सर बोले जैसे कि हम लोग सुबह 6:30 to 5:30 तक उठ गए थे। अपन सब नहाना धोना हो गया सारा और अपन अब निकल रहे। कितने बजे? 11 बज रहे नाश्ते के लिए, ऑलमोस्ट ब्रंच के लिए निकल रहे अपन। तो अभी जा रहे अपन इंदौर अपने होटल से गुरु कृपा होटल करके हैं, फिर वहाँ जाके खाते हैं। तो यहाँ हम लोग ऑटोमेटिक डोर का आनंद ले रहे हैं। सो गुरु कृपा होटल में खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग रजवाड़ा पैलेस जाएंगे। तो रजवाड़ा पैलेस जाने के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं। ऑटो से उतरने के बाद सब लोगों को थोड़ी सी प्यास लग रही होती क्योंकि वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी, तो उस कारण से सब शिकंजी पीने के लिए रुक जाते हैं। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब धीरे धीरे निकलेंगे। तो मैंने बहुत सारी क्लिक्स वहाँ पे की। हम लोग मार्केट भी घूमे। मार्केट घूमने के बाद जब हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि रजवाड़ा पैलेस जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन के काम के कारण हम लोग अंदर नहीं जा पाते हैं, तो हम लोग वहाँ से फिर वापस निकल जाते हैं। और वापस जाते टाइम हम लोग पहुँच जाते हैं 56 की तरफ, जो 56 शॉप्स मतलब 56 शॉप्स है लाइन से, वहाँ पे खाने की सामान थी। तो हम लोग सबसे पहले जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो हम लोग वहाँ पे एक जगह देखते हैं जिसका नाम होता है ठेका। और हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और हम लोग वहाँ पे पूछते हैं, तो भैया बोले कि हम लोग को कॉफ़ी मिलेगी। तो कॉफ़ी के नाम वहाँ बड़े अलग टाइप के थे। यह क्या आइटम है? ये अपनी कॉफ़ी की जवानी और मिल्क शेक की दीवानी। तो कॉफ़ी हम लोग ने वहाँ पे पिया। 56 में बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं होटल की तरफ वापस और फिर से कर्णावत में खाना खाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद हम लोग जल्दी से जल्दी सो जाते हैं क्योंकि हम लोग की अगले दिन की ट्रेन थी सुबह की। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये वाला जो वीडियो था वो थोड़ा सा शॉर्ट था मैं जान रहा हूँ, लेकिन जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। और बस आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखा है तो कम्युनिटी पोस्ट देख लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने ये चीज़ मेंशन की है कि कौन कौन से डेट्स पे वीडियोज़ आने वाली हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।